वंतीबाई लोधी महासभा मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में गरीब असहाय लोगों को खिचड़ी भोज कंबल वितरण किए गए। बरेली 14 जनवरी 2024 को मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में वीरांगना अवंतीबाई लोधी महासभा की ओर से 51 कंबल का वितरण एवं खिचड़ी सहभोज कार्यक्रम किया गया। छदम्मी लाल लोधी मेमोरियल उच्च माध्यमिक विद्यालय मकरंदपुर धारा जीत में जिला अध्यक्ष मोतीराम लोधी मानसिंह वर्मा भूतपूर्व सैनिक ने अध्यक्षता की एवं मुख्य अतिथि डॉक्टर सीताराम राजपूत प्रवक्ता बीसीबी वरिष्ठ अतिथि डॉक्टर रामसेवक राजपूत प्रवक्ता जीआईसी तथा अनिल कुमार ब्लॉक अध्यक्ष सुरेश लोधी प्रचार मंत्री सभा भजनलाल जयपाल लोधी अरविंद प्रकाश सीत लालाराम जिला कार्यालय प्रमुख ओमपाल राणा एवं अन्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन श्री गंगा सहाय राजपूत जिला महासचिव सभा ने किया। नाम है सर आपका? मोतीराम लोधी, जिला अध्यक्ष अवंतीबाई लोधी महासभा बरेली। आज आपके ये कॉलेज में क्या कार्यक्रम किया गया? कार्यक्रम मकर संक्रांति पर कंबल वितरण किया गया। हाँ। और गरीब लोगों के लिए और ये बच्चों को और सभी लोगों के लिए खिचड़ी का भी खिचड़ी बोलते हैं। तो मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में आप क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? संदेश ये है भाई कि लोग आगे बढ़ें, शिक्षा जरूरी है। जब तक घर में हर बच्चा पढ़ना चाहिए, हर परिवार के लिए अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए और तभी आगे बढ़ेगा। और जब भी कोई कार्यक्रम हो तो उसमें भाग लेना चाहिए, जिससे लोगों को मिलती है कि हमें कैसे कार्यक्रम करना है और कैसे आगे बढ़ना है, इस विषय में जानकारी मिलती है। और जो मकर संक्रांति का पर्व एक ऐसा है जिसे हर वर्ष मनाया जाता है। हर पहले चौदह जनवरी मनाते थे, अब लोग 15 जनवरी को मनाना शुरू कर दिया है लोगों ने। कल भी लोगों के कार्यक्रम, मगर हम 14 जनवरी को मनाते हैं। 14 जनवरी का इसलिए हमको मानते हैं, हमने 14 जनवरी के लिए इस जगह में पैर रखा था। 14 जनवरी 1993 के लिए 94 के लिए यहाँ पर नींव डाली थी इस विद्यालय की, तो इसलिए इसे शुभ मानते हैं और उसी दिन से कार्यक्रम को हम करते चले आए हैं। ठीक है, 14 जनवरी के लिए। अच्छा, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता भी हमारे मानसिक फौजी हैं, बुजुर्ग मिलिट्री से रिटायर हैं, उन्होंने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। और मुख्य अतिथि में हमारे डॉक्टर सीताराम राजपूत जी हैं, प्रोफेसर बरेली कॉलेज से। और विशेष अतिथि में हमारे जो है जीआईसी प्रवक्ता रामसेवक राजपूत जी और अवंतीबाई लोधी महासभा के जिला महासचिव गंगाधर राजपूत जी, कार्यालय प्रमुख ओम प्रकाश जी, सुरेश चंद जी प्रशिक्षण मंत्री, और हमारे बीच में जो हमारे एक प्राइवेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं हमारे अरविंद कुमार गौड़ जी हैं, और हमारे ब्लॉक अध्यक्ष ये हैं रामोतार जी हैं, और हमारे ब्लॉक सचिव गजेंद्र पाल जी भी हमारे बीच मौजूद हैं। और ये कार्यक्रम जो है हर साल करते हैं और अब आगे भी करेंगे। अब हमारा एक कार्यक्रम 20 मार्च को लोधी महारैली के नाम से होगा, शहीद दिवस के उपलक्ष्य में वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम से देवचरा की बाजार में पिछले साल हुआ था, जो कि बारिश हुई थी, फिर भी पब्लिक 2,500-3,000 के आसपास रही थी। अब ये कार्यक्रम दूसरे विवाह में होगी समाज के लिए। ठीक है। हाँ, आपका? अरविंद गौड़, प्रदेश अध्यक्ष प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन। तो आज आप मकर संक्रांति के पक्ष में क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि सभी समाज को, जितने भी सनातनी हैं, एकजुट होकर के मकर संक्रांति का त्यौहार मनाना भी चाहिए, क्योंकि ये एकता का संदेश देता है। दूसरा, इसी दिन सूर्य उत्तरायण हो जाता है। सूर्य उत्तरायण होने के बाद यहाँ से दिन अच्छे होना शुरू हो जाते हैं, जो खरमास होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, सांस्कृतिक धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो जाते हैं। इस अवसर पर हम एक ही संदेश देना चाहेंगे, समाज को आज के समय में एकजुट होने की ज़रूरत है। हमें समाज के सुख दुख को आपस में बांटना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए और एकता की मिसाल पेश करनी चाहिए। जैसे कि हमारे पूर्वजों ने, जैसे मैं यहाँ पर देख रहे हैं अवंतीबाई लोधी जी का चित्र हम लोगों के सामने है, इन्होंने एक महान कार्य किया था देश हित में, समाज हित में, तो आज इनको याद करना है। इसी तरीके से हमें अपने महापुरुषों के चरित्र के बारे में अपनी आने वाली पीढ़ी को बताना चाहिए और देश के लिए, समाज के लिए कुछ करने के लिए प्रयास करना चाहिए। ठीक है।